व बिसमरीम अला रसूल करीम बाद मुअज़्ज़ज़ नाजरीन आज के दरस क़ुरान कावान अल्लाह की इबादत उसकी मुकम्मल इताअत का नाम है क़ुरान करीम में रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद रब्बी व रब्बुकुम अबू हाजा सिरातम मुस्तकीम सूर आल इमरान आयत नंबर इक्यावन बेशक अल्लाह मेरा रब है और तुम सब का भी रब है बस उसी की इबादत करो यही सरात मुस्तकीम या सीधी राह है दूसरी जगह इरशाद है व अन अबोनी हाजा स़रा मुस्तकीम, मस्तीम सूर आयत नंबर इकसठ और मेरी इबादत करो यही सरत मुस्तकीम है मजद नाजरीन इन आयात से ये वाज होता है कि अल्लाह की इबादत करना और उसकी बंदगी इख्तियार करना ही दर हकीकत से मुस्तकीम मस्तकीम पर चलना है रहा यह सवाल कि इबादत से क्या मुराद है इसमें कौन कौन से अमाल शामिल हैं या ये कि बंदगी बजा लाना किसे कहते हैं क़ुर करीम से इस बाब में बेहतरीन रहनुमाई मिलती है और अहदीस नबी सल्हलम में भी इसकी तशरी की गई है यह एक मुसलमा हकीक़त है कि कुरान मजीद सारी दुनिया के लोगों के लिए याद दहानी है अल्लाह के बंदों के लिए अल्लाह की जानब से बेहतरीन नसीहत नामा है और इंसानों की भलाई की बातों से भरा पड़ा है इन्हें याद रखना और इन पर अमल करना और दूसरों को इन्हें याद दिलाना नज़ुल क़ुरान की बुनियादी गर्ज़ायत है क़ुरान मजीद ने एक जगह अपना यह वस्फ़ बयान करते हुए इंसान को एक नहायत कीमती सबक याद दिलाया है और वो ये कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है उसे किस लिए पैदा किया गया है इरशाद रब्बानी है वज़क्र फ़ा ज़िक्र तनफ़ उमिन वम खल्जन्ना वनस अलियाबून याद दहानी करते रहो बेश याद दहानी करना मोमिन को नफ़ा देता है और हमने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वह हमारी इबादत करें इस आयत से यह वाज पैगाम मिलता है कि इंसान को इसलिए पैदा किया गया ताकि वह अल्लाह की इबादत करें और उसकी बंदगी बजा लाएँ लफ्ज़ इबादत की तशरी करते हुए ने आम तौर पर इसके दो मफहम बयान किए हैं एक प्रस्तिश पूजा पाठ और दूसरे एतात व फर्मा पहले मफहम का इतलाक़ आम तौर पर फ़र्ज़ इबादत और ज़िक्र तस्वीर पर किया जाता है जबकि दूसरे से मुराद जिंदगी के तमाम शोबों में अहकाम इलाही की पैरवी और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल आवरी है अगर बारीक बीनी से देखा जाए तो ये वाज होगा कि पहला मफहम भी इसमें शामिल है इसलिए कि दीन इस्लाम एक इंतहाई जाम नज़ाम ज़िंदगी कालमबरदार है दीन व शरीत के तकाज़ों की तकमील ज़िंदगी के तमाम शोबों में मतलूब है यह अमर बदही है कि एतातल अलाही को किसी ख़ास शोबे तक महदूद नहीं किया जा सकता जिस तरह अल्लाह के अहकाम की तामील में एक साहब ईमान के लिए फ़र्ज़ इबादत की बजाय अवरी लाजमी है इसी तरह समाजी ज़िंदगी में सब के साथ करीमाना व मुनफाना बर्ताव समाज के मुख्तलिफ़ तबके के लोगों के हकूक़ की अदायगी और माशी ज़िंदगी में दैनत ईमानदारी और अमानत दारी का मुजाहरा भी फरमान अलाही पर अमल आवरी है समाज के मुख्तलिफ तबके के लोगों के हक़ूक़ की अदायगी और माशी ज़िंदगी में दैनत दारी ईमानदारी और अमानत दारी का मुजाहरा भी फरमान इलाही पर अमल आवरी है फ़रमान लाही पर अमल आवरी है बल्कि ये बातें फ़र्ज़ इबादात से कम ज़रूरी नहीं हैं आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने बजा फरमाया है गलत कहता है जो कहता है कि यह इबादत सिर्फ तस्बी मसल्ला और मस्जिद खानकाह तक महदूद है मोमिन सालेह सिर्फ उसी वक्त अल्लाह का इबादत गुजार नहीं होता जब वह दिन में पाँच वक्त नमाज पढ़ता है और बारह महीनों में एक महीना रोज़े रखता है और साल में एक वक्त ज़क़़त देता है और उम्र भर में एक मरतबा हज करता है बल्कि दर हकीकत उसकी सारी ज़िंदगी इबादत ही इबादत है जब वो कारोबार में हराम के फ़ायदों को छोड़ कर हलाल रोज़ी पर कनात करता है तो वो क्या इबादत नहीं करता जब वो मामलात में जुल्म और झूठ और दगा से परहेज़ करके इंसाफ और आसबाजी से काम लेता है तो क्या इबादत नहीं है जब वो खल्क़ खुदा की खिदमत और हकदारों की हक रसानी के लिए कमर बस्ता होता है तो क्या उसकी यह सरगर्मी आयन इबादत नहीं होती जब वह अपने अफाल में खुदा के कानून की पैरवी करता है और उसके हदूद का लिहाज रखता है तो क्या उसका यह कौल व फ़ैल इबादत में शुमार ना होगा बस हक यह है कि अल्लाह के कानून की पैरवी और उसकी शरीय की इतबा में इंसान दीन व दुनिया का जो काम भी करता है वह सरासर इबादत है हती कि बाज़ारों में उसकी ख़रीदो फ्रोश और अपने खालिस दुनियावी अशगाल में उसका इन्हमाक भी इबादत है मज्ज़ नाजरीन यहाँ ये भी वाजह रहे कि इबादत का लफ्ज़ अब्द से निकला है जिसके माने ग़ुलाम या ममलूक के होते हैं जब कोई शख्स किसी की गुलामी में होता है तो क्या उसका तकाजा सिर्फ़ ये होता है कि वह किसी एक या बाज़ मामलत में अपने आका का हुक्म माने और दूसरे में उसकी हुक्मदूली करते हुए अपनी मनमानी करे बल्कि सच बात यह है कि किसी का अब दिया ग़ुलाम होने का मतलब यह है कि वह हर बात में अपने आका की पैरवी करे बिला चूँ इसके हुक्म को पूरा करे और उसकी खुशी के लिए अपनी को कुर्बान कर दे तो फिर सोचने की बात है कि खालिक दो जहाँ मुल्क और आलम के अब दिया बंदा होने और उसकी बंदगी इख्तियार करने से क्या मकसूद है ये बात गौरतलब है कि अगर कोई अल्लाह ताली के हुक्म की इत्तबा में नमाज रोज़ा की पाबंदी करे लेकिन वालदैन पड़ोसी व अक़रबा व मसाकीन के हुकूक की अदायगी में कोताह हो कमज़ोरों व बेसहारा लोगों पर जुल्म झ्याति करे और माल के कमाने व खर्च करने में अहकाम इलाही व तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपरवाह हो जाए तो क्या उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि वह अल्लाह की इबादत और उसकी बंदगी का हक़ अदा कर रहा है और अबूदियत के तकाज़े पूरे करने में संजीदा है सही बात यह है कि अल्लाह का बंदा होने का मतलब यह है कि वह हर मामले में अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी गर्दन को झुका दे रोज़मर्रा जिंदगी में बिला चूँ चिरा इसकी हदायात को अपनाएँ और हकीकी आका व मौला की रजा की तलब में अपनी ख्वाहात की क़ुर्बानी के लिए हमेशा तैयार रहे आयात कुरानी और उनकी तशरीहत से यह हकीकत खुलकर सामने आती है कि कुरान करीम में जिस इबादत या बंदगी को तखलीक इंसानी का मकसद करार दिया गया है और जिसमें ता हयात सरगर्म रहने की हिदायत दी गई है वो ज़िंदगी के तमाम शोबों मजहबी समाजी माशी व सियासी में रब्बुल आलमीन के हुक्म के सामने मुकम्मल सुपुर्दगी और हर मामले में उसकी बेलोस इताअत व फरमाबरदारी से इबारत है सच यह है कि ईमान की दौलत से मालामाल हो जाने या अल्लाह को खाल मालिक मबूद मौला और राज़ी को पालनहार हार तस्लीम करने कर लेने के बाद अब दीन व शरीयत के बाब में किसी जजवी शमूलियत की गुंजाइश नहीं है रोज़मर्रा जिंदगी में अकाम लाही की इतबा में अपनी मनचाही की बात नहीं चल सकती अब तो हर मामले में फरमान खुदावंदी के सामने मुकम्मल सुपुर्दगी का मतालबा है क़ुरान की आयत बहुत ही साफ लफ्ज़ों में अहल ईमान से यही मुतालबा करती है या लजीना आ मनुख़लूफलम का अहल ईमान तुम लोग पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ मज़द नाजरीन अहम बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुकम्मल फरमाबरदारी का यह रवैया हयात मुस्तार के किसी ख़ास मरहले में मतलूब नहीं है बल्कि कुरान अहल ईमान से ता हयात इस रविश को करने और इस पर कारबंद रहने का मतालबा करता है और उन्हें यह दावत देता है कि वो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह की इबादत और बंदगी के तकाज़ों को पूरा करते रहें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है फसअब बमद रब का वकुम नसाजदीन व अब हत्ता का यकीन बस अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह करो उसकी जनाब में सजदा बजा लाओ और आखिरी घड़ी तक अपने रब की पन, बंदगी करते रहो जिसका आना यकीनी है ऊपर की तफसीलात से ये वाजह होता है कि आखिरी किताब हिदायत इंसान को ये तालीम देती है कि अल्लाह की इबादत करना या उसकी बंदगी बजा लाना सिर्फ़ नमाज पढ़ने या दूसरे अंजाम देने तक महदूद नहीं है बल्कि घरेलू ज़िंदगी में अल्लाह की बंदगी के तकाज़े हैं लोगों से ताल्लक़ात और मामल में भी उसके कुछ मुतालबात हैं और ज़रात व तजारत सनात व हरफत और मुलाजमत में भी उसकी आयत करदा पाबंदियाँ हैं इन तमाम बातों का पूरा पूरा ख़्याल रखने का नाम ही अल्लाह की बंदगी इख्तियार करना है आसान लफ्ज़ों में यूँ कहा जा सकता है कि उठते बैठते सोते जागते खाते पीते बोलते लिखते हर हालत में ये देखना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस बात से खुश होता है और किस से नाराज़ उसे कौन सा दर्ज अमल पसंद है और कौन सा नापसंद और हर काम के वक्त अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाते हुए अल्लाह की मर्ज़ी को जानना पहचानना और उसे मुकद्दम रखना ही राय मुस्तकीम पर गामजन हो जाना है इन तमाम अमूर के अंजाम दही की ताबीर अगर मुख्तसरन दो लफ्ज़ों में पेश की जा सकती है तो उसके लिए सबसे मौजूल अल्फाज अमल साले होंगे जिसका दायरा कुरान की अलाह में बहुत वसी है उसमें मजहबी फ़राइ की बजा आवरी शामिल है और समाजी वखलाक़ी और इक्तसादी व सियासी ज़िंदगी में दिनों शरीय के ताज़ों की तकमील को भी ये मुहित है कुरान में जगह जगह ईमान के साथ अमल साले को नजात वबी कामयाबी का जरिया बताया गया है इरशाद रब्बानी है इन्ल्ल आमनु वामिल जन्नत तजरी तहतिहल अनहार वालकलफ़ौज़ुलबीर बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नक अमल किए यकीन उनके लिए जन्नत के बाग़ात हैं जिसके नीचे नहरें बहती होंगी यह है बड़ी कामयाबी इसके अलावा सूर् असर में ईमान के साथ जिन तीन कामों को खुसरान और नाकामी से बचाव और सबसे बड़ी कामयाबी का ज़ामिन करार दिया गया है उनमें सबसे पहले अमल साले का जिक्र है और सच पूछिए तो आखिरी दो काम वतवास बिलह व तो बब्र भी, भी उसी का हिस्सा है ज़ाहिर है कि अमल साले में उन तमाम काम की अनजाम शामिल है जिनके करने का कुरान में हुक्म दिया गया है और उनसे इज्तना भी जिनसे मना किया गया है आखिर में इस नुक्ता की जानब इशारा ज़रूरी मालूम होता है कि इबादत की बजाआरी और नेक आमाल की अनजामद ही उसी वक्त नतीजा खैज साबित होगी या उसी सूरत में समरात और बरक़ात अपने साथ लाएगी जब ये खालसता अल्लाह के लिए हो और उससे महज उसी की रजा मतलूब हो किसी दूसरे की खुशी की तलब या किसी दूसरी गर्ज की आमजिश से पूरी इबादत और आमाल साल की मेहनत बेसूस होगी कुरान करीम में अल्लाह ताली ने मुख्तलिफ़ मकाम पर जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया है उसी के साथ ये ताक़द भी की है कि यह इबादत सिर्फ़ उसी के लिए हो इसमें किसी और चीज़ का शाइबा न हो इसलिए कि खालिस इबादत सिर्फ़ अल्लाह ही का हक़ है कोई और इसका सजावार नहीं है इर्शाद ख़ुदाबंदी है इन्ना अनजल्ला कल किताब अबुलक फा अबिल्ला मुखल सद्दीन अलाद्दीन अखालस ए नबी ये किताब हमने आपकी तरफ़ बरहक नाजिल की है लिहाजा अल्लाह की इबादत करें दीन को उसके लिए खालिस करते हुए ख़बरदार सुन लें दिन खालस अल्लाह ही का हक़ है मज्ज़ नाज़रीन, वाकया यह है कि इस्लाम में इबादत के इस वसी तस्वूर के बावजूद आज माशरे की हालत यह है कि नमाज रोज़ा की पाबंदी करने वालों में एक अच्छी खासी तादाद ऐसे लोगों की है जो हकूक लबाद की अदायगी में कोताह हैं समाजी वमाशी ज़िंदगी के लिए अल्लाह के अकाम क्या हैं उनसे उन से मतलक रसोल्लाम की तलीमत क्या हैं उसकी खबर नहीं रखते और अगर मालूम है तो उन पर तवज्जो नहीं देते या उन पर अमल को दीनदारी का हिस्सा नहीं समझते यह हकीकत अक्सर लोगों की नज़रों से ओझल हो जाती है कि कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत व एत के हुक्म के साथ अपने बंदों के हकूक़ की अदायगी की सख्त ताकितद की गई है यह हकीकत अक्सर लोगों की नज़रों से ओझल हो जाती है कि कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह इज़्ज़त ने अपनी इबादत वक्म के हुक्म के साथ अपने बंदों के हकूक़ की अदायगी की सख्त ताकीद की है कुरान मजीद में इरशाद है वब्बाल वाला तशरकूब ही सै ववालदईन एहसान वबी ज़िलकरबा वतामा वमसाक़ीन वलजार बा वलजार जुनूब व साहब विलजम्ब वबन सबील वमा मलकत ईमा नकुमल्ला हिब्ब मनकान मुख्लाफूरा और अल्लाह ही की बंदगी करो और किसी चीज़ को भी उसका शरीक न ठहराओ और वालदे कराबत मंदों य मसाकिन करबतदार पड़ोसी बेगाना पड़ोसी हम नशी मुसाफिर और अपने ममलूक के साथ अच्छा सलूक करो बेशक अल्लाह इतराने वालों और गुरूर करने वालों को पसंद नहीं फ़रमाता ज़ाहिर है कि इस आयत में जो अहकाम दिए गए हैं उनकी नौीयत यकसा है बालफाज दिगर जिस तरह साहिब ईमान के लिए अल्लाह की इबादत फ़र्ज है उसी तरह वालदे पड़ोसी अकरबा यतामा और मसाकिन के साथ हुसन सलूक और उनके हकूक़ की अदायगी भी ज़रूरी है वाक़ यह है कि पड़ोसी व वर रिश्तेदारों वरीबों के हकूक़ की निगहदाश्त उनकी खबरगिरी बीमार हों तो उनकी आदत करना मोहताज हों तो उनकी आनत करना नादार हों तो उनकी किफालत करना बेसहारा हों तो उन्हें सहारा देना और उनके दुख दर्द में शरीक होना इस्लाम की सिर्फ अखलाकी तालीमत का हिस्सा नहीं है बल्कि यह आ दींदारी का तकाजा और उसकी बंदगी बजा लाना है इसलिए कि अल्लाह के बंदों के हकूक़ का पूरा करना अल्लाह के अहकाम की तामील है ठीक इसी तरह जिस तरह नमाज पढ़ना उसके हुक्म की पैरवी में होता है दरअसल फ़र्ज़ इबादत की आवरी से भी यही जहन बनता है और बनना चाहिए कि जिस तरह इस हुक इसमें हुक्म इलाही की तामील है इसी तरह अहद का पास लिहाज रखना वादा पूरा करना कस्बे माल में जायज़ जराए इख्तियार करना माली मामलात में दयान दारी का मुजाहरा करना ठीक ठीक नापना तोलना मजदूर मुलाजिम का हक अदा करना अमानत में ख़यानत से बचना यतामा व बेवाओं के माल ज़ायदाद को तफ़ुज देना भी अहकाम इलाही की बजावरी है जैसा कि कुरान में बार बार इन पर अमल करने की ताकीद की गई है मख्तसर ये कि कुरान का तसवुर इबादत बड़ी वसत तो जामियत रखता है ये सिर्फ फ़र्ज इबादत बजा लाने तक महदूद नहीं है इसमें माशरे के मुख्तलिफ़ तबका के, के, के लोगों के हकूक की अदायगी कस्ब माल में जायज़ नाजायज़ हदूद की रियायत माल खर्च करने और वसायलोब के इस्तेमाल में फजूल खर्ची वनुमाइश से इज्तनाब खरीदो फरोख्त और दूसरे मामलों में ज्यात के असूलों पर अमल आवरी लन देन में कौल वरार की पाबंदी जैसे अमूर भी शामिल हैं मौजूदा सूरत हाल में जरूरत इस बात की है कि लोगों के सामने कुरान के जाम तसुर इबादत की तशरी व तोज़ी की जाए और खास तौर से समाजी और माशी जिंदगी और माली मामला से मतलब कुरानी हदायात व तालीमत को बार बार सामने लाया जाए और लोगों के जहनों में यह हकीकत बैठाई जाए कि इन हदायात व तलीमात पर सिद्क दिल से अमल करना भी इबादत है अच्छी बात खुद याद रखना दूसरों को याद दिलाना और नेकी की तरफ बुलाना हर हाल में बायस खैर है अल्लाह करे हम सब को इसकी तौफीक नसीब हो आमीन सुम्मा आमीन व आखिर उदावाना रब्बिल आलमीन